वेलकम टू आर चैनल सुनी कुमार एम सुनील और आज लेके आए हैं आप लोगों के लिए ट्रेडिशनल बैक ब्रेड हेयर स्टाइल विद द मांगटिक्का सेटिंग सो so, चलिए दोस्तों देख लेते हैं कैसे आपने इसके लिए शैक्शनिंग लेनी है और कैसे हम इसको बना रहे हैं सो so, सबसे पहले क्या करना है आपने मांग सेटिंग करनी है सो so, प्रिपरेशन uh, आप लोगों ने कर लेना है ब्लू ड्राई एंड क्रिम्पिंग फुल हेयर पे आप क्रिम्पिंग रख सकते हैं अगर आपके पास समय है तो नहीं तो एटलीस्ट फ्रंट ऑफ पॉइंट पे आपको क्रिम्पिंग रखनी है ताकि फ्रंट पे आप अच्छे से लाइन्स एंड टेक्सचर दिखा पाएं विदाउट क्रिम्पिंग भी अच्छा लगेगा अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो बट क्रिम्पिंग करके थोड़ा लाइंस वर्क आपका ज़्यादा अच्छा इन्स हो जाएगा सो so, अच्छे इन्हांसमेंट के लिए क्रिप्स तो अच्छे इन्हांसमेंट के लिए क्रिस्पिनेस के लिए मोर विजिबिलिटी के लिए यू मस्ट डू क्रिम्पिंग ऑन द हेयर सो क्या करना है सबसे पहले विल डू मांग टिक्का सेटिंग सो सबसे पहले आप लोगों ने सेंटर प्रोफाइल पार्टिंग ले लेनी है एंड राइट नाउ आई एम जस्ट डूइंग मांग टिक्का सेटिंग सो आप मांग टिक्का रखेंगे ऐसे और इसको ठीक बैक ऑफ द पॉइंट पे आपने इसको जो है लॉक करना है सो so, अभी हम स्टील क्लिप से होल्ड कर लेते हैं एंड बैक ऑफ द पॉइंट से मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे है और कहाँ पे हम इसको लॉक कर रहे हैं सो so, यहाँ पे आपने क्लाइंट पे हेयर पे एक छोटा सा चंक्स आपने लेना है ऐसे राउंड टाइप ऑफ सेक्शन आप ले सकते हैं या छोटा सा हैवी हेयर आपने लेना है और यहाँ पे आपने बैक कॉम कर लेना है सो राइट नाउ आई एम जस्ट डूइंग बैक कॉम दिस इज़ फॉर द ग्रिपिंग पर्पज़ इसको हम ग्रिप के लिए दे रहे हैं ताकि आप मांग टिक्के के चेन को देखो चेन यहाँ पर ख़त्म हो गया है तो यहाँ से हमने इस थ्रेड को बांधा है और यहाँ तक हम इसको लेके आएंगे ताकि फ्रंट पे हमारे पिनस विजिबल ना हो और इसके बाद यहाँ पे आपने छोटी बॉब पिन का यूज़ करना है सो so, एक बॉब पिन आप इस तरफ़ लगा लेंगे ऐसे और ध्यान रहे ये बॉब पिन आपको छुपानी भी है तो वैसे आप क्रिस एंड क्रॉस कर लेंगे एंड ये थ्रेड को आपको ऐसे बाइंड कर लेना है और बाकी और भी सारे तरीक़े हैं आपके मांगट को लॉक करने के लिए बाकी आप इस तरीके का भी यूज़ कर सकते हैं ये फिक्स हो गया है इसके ऊपर हल्का सा स्प्रे आपने कर देना है अब आप फ्रंट पे चलेंगे ये तो हो गया हमारा मांगटिका सेटिंग नाव सेक्शनिंग कैसे लेना है फ्रंट ये ऑल बैक रहेगा इस पर आप ज़्यादा वॉल्यूम दे सकते हैं विद यूजिंग बैक कॉम सो so, यहाँ पे आपने देखना है आईब्रोज़ के आर्च पॉइंट से थोड़ा तिरछा सेक्शन लेके चलेंगे आप वी टाइप ऑफ सेक्शन हमने लेके चलना है वाइडर आप ले सकते हैं कितनी आपको चौड़ाई चाहिए फ्रंट ऑफ पॉइंट से सो so, थोड़ा हमने वाइडर रखा है सेक्शन को थिकनेस कितनी लेंगे फ्रंट पे हमने एवरेजन थ्री एंड हाफ फिंगर थ्री टू फोर फिंगर का आपने थिक सेक्शन रखना है वी सेक्शन सो यहाँ से आप आए और यहाँ से भी आईब्रोज के आर्च पॉइंट से ऐसा फ्रंट से आप देखेंगे तो ये ए टाइप का सेक्शन दिखेगा और बैक पॉइंट से अगर आप देख रहे हैं तो ये वी टाइप का सेक्शन नज़र आएगा सो so, अगर मैं पीछे से इसको देख रहा हूँ इट्स वी फॉर मी और आप लोगों के लिए ए टाइप का सेक्शन नज़र आएगा फ्रंट अप पॉइंट से सो so, इसको आपने बैक कॉम करना है एंड वॉल्यूम आप क्रिएट करेंगे सो so, यहाँ पे आपने सबसे पहले हॉरिजेंटल सेक्शन लेना है स्ट्रेट सेक्शन हमने लिया है बैक कॉम आप फ्रंट पे आके भी कर सकते हो बहुत ज़्यादा बैक कॉम ना करें थोड़ा थोड़ा आपने रूट एरिया पे इसको बैक कॉम करना है और स्प्रे हम इस पर यूज़ करेंगे इसको फिक्स करने के लिए और ये जाएगा पीछे अगर आप फ्रंट से आगे आके बैक कॉम करते हो तो आपको वॉल्यूम काफ़ी अच्छा मिलता है ध्यान रहे ये सेंटर जैसे ये सेंटर पार्टीशन इसमें आ रहा है अगर मांगठिके का चेन वाइडर है थोड़ा सा मोटा चेन है तो ये डिस्कनेक्ट होगा यहाँ से तो आपको थोड़ा बैक कॉमिंग को फिर ज़्यादा रखना है ताकि ये डिस्कनेक्टिंग पॉइंट जो है उसको आप कवरेज कर सकें सो तो यहाँ पर जैसे हमने बैक कॉम ज़्यादा किया पर ध्यान रहे आगे नहीं आना चाहिए आपका बैक कॉम प्रेस करेंगे इसको स्प्रे करेंगे एंड लॉन्ग हेयर को क्लीन करते हुए इसको आपने पीछे ले जाना है फ्रंट पे आप हल्की हल्की लाइंस वक्त तैयार करेंगे और उसको हम रबर बैंड से बाइंड कर लेंगे पिंस नहीं लगा रहे हैं जस्ट रबर बैंड आपको पुटअप करना है इसमें पहले इसको आप कॉम कर लें क्लीन कर लें सो so, हम इसको कॉम कर रहे हैं क्लीन कर रहे हैं हाइट हमने दे दी है इसमें इसके बाद आपको हल्के हाथ से रबर बैंड का यूज़ करना है बस ध्यान रहना है आपका जो पफ है वो ओवल शेप में होना चाहिए और उसके बाद में आप इसमें लाइन्स वर्क को उठा सकते हैं सो so, आप इसको कॉम करेंगे क्लीन करेंगे कॉम करेंगे क्लीन करेंगे और ठीक बैक ऑफ द पॉइंट पे हम रबर बैंड लेके जस्ट इसको अटैच कर रहे हैं तो शोइंग यू फ्रॉम द बैक ऑफ द पॉइंट ऐसे सो so, यहाँ पे आपने सिंपल सा पहले इसको क्लीन करते हुए फिर आपने रबर बैंड इस पर लगा लेना है ध्यान रहे कि आपके जो सारे हेयर हैं वो टेंगल फ्री हो आप इसको पहले फिक्स भी कर सकते हैं बना भी सकते हैं और फिर बाद में रबर बैंड लगा सकते हैं सो so ये हमने सिंपल सा रबर बैंड जो है इस पर लगा लिया बस दो राउंड आपको घुमाना है लाइट लॉकिंग के साथ में हम काम कर रहे हैं इसको यहीं पे रखेंगे पफ़ को आप लोगों ने बैलेंस कर लेना है अगर आपको हाइट कम लग रही है तो आप नीडल कॉम का यूज़ करेंगे और इसकी हाइट को आपने उठा लेना है ध्यान रहे ऐसे ऊपर से हाथ का सपोर्ट भी रखें ताकि जो है आपका जो पफ है वो अचानक से ना उठे और ख़राब ना हो उसके बाद में आपने लाइंस वर्क तैयार करने हैं तो जस्ट फिंगर्स के आपके टिप्स पॉइंट से या नेल से आपने हल्की हल्की जो है टेक्सचर लाइन आपने खींच लेनी है यहाँ से भी हम खींच रहे हैं बस आपको हल्का हल्का टेक्सचर पुल करना है और ये कोई आपका प्रोफेशनल टाइप ऑफ लाइन नहीं है बिल्कुल आपने सॉफ्टवेयर अप आप डाउन अप डाउन आप हल्की फुल्की भी खींचेंगे मीन्स थोड़ा सा टेक्सचर लुक आ जाना चाहिए सो so, हम क्योंकि ये कॉमर्शल वे में बना रहे हैं एंड लाइन्स आप सॉफ्टवेयर भी दे सकते हैं थोड़ी हैवी भी दे सकते हैं तो रबर बैंड के साथ में हम इसको बना रहे हैं थोड़ा सा फास्ट फास्ट आप इसको तैयार कर सकते हैं स्प्रे करेंगे ये होल्ड स्प्रे हम कर रहे हैं और लाइन्स को थोड़ा बैलेंस कर रहे हैं क्लीन कर रहे हैं छोटे छोटे फ्लाई फ्रिजी हेयर को बैकवर्ड की तरफ ही ले जाएं और इनको बिठाने की कोशिश करें सो so, ऐसे आपने फ्रंट पे पहले इस पफ को तैयार करना है और इसके ऊपर आपने लाइंस बना लेनी है ये छोटे छोटे फ्लाई फ्रिजी हेयर को बैकवर्ड की तरफ ही मैनेज करें सो ये हम पीछे की तरफ लेके जा रहे हैं और जो हमने लाइन्स बनाई हैं उनको हम क्लीन कर रहे हैं छोटे छोटे फ्लाई फ्रिजी हेयर को पफ के नीचे दबा रहे हैं यस, yes. सो so, ऐसे ही आप इसको बना लेंगे नाउ नेक्स्ट सेक्शन यहाँ से आपने फेस प्रेमिंग के लिए सेक्शन छोड़ना है तो आप यहाँ से छोड़ सकते हैं रिसीजन पॉइंट से और यहाँ से फिर आपने फिर एक और सेक्शन लेना है एट्स एवरेज टू फिंगर और इसको सीधे पीछे आप कॉम करेंगे सो so, ये हम डाइ सीधे ऐसे स्ट्रेटन वे में ही आपने कॉम करना है और पीछे आएंगे इसको छोड़ दिया हमने देखो जो बॉब पिन हमने लगाई हैं उसी के ऊपर हम इसको होल्ड कर रहे हैं सो so, यहाँ पे मैंने एक यू पिन से इसको होल्ड कर दिया जस्ट ऐसे ही और अदर साइड से भी हम सेम थिकनेस का सेक्शन ले रहे हैं फेस फ्रेमिंग सेक्शन छोड़ने के बाद दोनों तरफ से आपने फेस फ्रेमिंग सेक्शन छोड़ लेने हैं यहाँ से भी हम दो फिंगर का डायगेनल सेक्शन ले रहे हैं सो फ्रॉम हियर ऑल्सो वी आर टेकिंग टू फिंगर डायगेनल सेक्शन सो so, ऐसे डायगनल आप चलेंगे और यहाँ तक आपने लेना है दो तो फिंगर से ज़्यादा ना लें अगर आपके पास में डेंसिटी अच्छा है और दोनों साइड से आप चेक कर लें कि दोनों तरफ आपने बराबर थिकनेस का सेक्शन लिया है या नहीं इस पॉइंट से और उस पॉइंट से भी सो so, ये चीज़ों को आपको ख्याल रखना है फ्रंट ऑफ पॉइंट से देखना है कि दोनों तरफ मैंने बराबर लिया है या नहीं कॉम करें इसे पीछे की तरफ एंड दोनों जो सेक्शन थे उसको हमें मर्ज कर लेना है तो मैं आपको बैकअप द पॉइंट से भी दिखा रहा हूँ तो दूसरा आपने पहले एक सेक्शन हमने वहाँ से लिया है दूसरा सेक्शन भी हमारा यहाँ पे आ गया है इन दोनों को मिला लेना है ठीक मिडिल पॉइंट पे लेके आना है सो so, कॉम कर लें बोथ ऑफ साइड से जैसे हमने यहाँ से किया टेल कॉम जो है आपने बारीक वाला यूज़ करना है ताकि आप अच्छे से कॉम कर पाएँ कोई गैप वगैरह ना आए आपके हेयर के बीच में और हर एक हेयर को आप अच्छे से क्लीन कर सकें सो so, इसको आपने यहाँ लाना है दोनों सेक्शन को मिलाएं यहीं पे और यहीं पे ठीक आपने सेंटर ऑफ आप द पॉइंट पे जो रबर बैंड है उसी के ठीक सामने आपने इसको रखना है और एक और रबर बैंड हमने इस पर लगा लिया है ये नॉर्मली हम पिनअप कर रहे हैं नॉर्मली हम रबर बैंड लगा रहे हैं सो so, ऐसे आप इसको बांध देंगे जस्ट दैट सीट क्लीन करें छोटे छोटे फ्लाई फ्रिजी हेयर को जो पिन है वो आपकी कवरेज हो जाएंगे इनको कॉम कर लें थोड़ा सा फैला दें इसको स्प्रेड कर लें थोड़ा सा लूज कर लें और यहाँ से भी आपने नॉर्मल सिंपली आपने लाइंस वर्क को तैयार करना है वन टू थ्री नॉर्मली आप लाइंस वर्क को पुलिट आउट करेंगे वन टू थ्री फोर यहाँ से भी आपने यहाँ पे वन देन टू एंड थ्री और फोर ये लास्ट पे फाइव तो ऐसे आप हल्की हल्की लाइन्स वर्क तैयार करेंगे स्प्रे करेंगे क्लीन करेंगे इनको फिक्स करते हुए अदर साइड से भी सेम फ्रंट से आपने लुक को देख लेना है कैसे आपको आउटकम रिजल्ट जो है वो फ्रंट ऑफ पॉइंट से आ रहा है नेचुरली आपने लाइन्स वर्क तैयार करना है बहुत ज़्यादा like, uh, लाइक मतलब आपने ये प्रोफेशनल टाइप ऑफ नहीं भी बनाएंगे तो तुखे बिकॉज हम रेंडमली हल्का हल्का नेचुरलिस्टिक टाइप ऑफ लाइन्स हम बना रहे हैं बहुत ज़्यादा टेक्चराइज और इवन लाइन नहीं खींच रहे हैं नेचुरलिस्टिक मीन्स अनइवन आप लाइन्स को खींचेंगे तो टेक्सचर लुक दिखना चाहिए सेम हम यहाँ से भी खींच रहे हैं अगेन यहाँ से भी आपने एक और सेक्शन लेना है ये भी हमने फिर दो फिंगर का सेक्शन देखा है सो तो अभी ये थोड़ा सा थिन सेक्शन बच रहा है हमारे पास तो हम ये कंप्लीट ले लेंगे सो तो हमने एयर ऑफ ये एयर के ठीक टॉप पॉइंट से डाइगनल लिया है और इतना हैवी पार्ट इनफ है इस पैटर्न के लिए तो इसको लिया है हमने सेम ये जो रबर बैंड है इसके ऊपर आएंगे आप और यहीं पे आपने इसको होल्ड कर लेना है यही सेक्शन हम दूसरी तरफ से भी ले रहे हैं सो so, फ्रंट पे सारे बाल हमने ले लिए हैं एयर के जस्ट टॉप ऑफ द पॉइंट से ऐसे हम चले थे डाइगनल सेक्शन तो यहाँ से भी हमने डायगनल सेक्शन लिया कुछ ऐसा इसको भी आप कॉम करेंगे और दोनों को आपस में बैक पॉइंट पे लाते हुए फिर यहाँ पे आपने रबर बैंड बांध देना है तो रबर बैंड को थोड़ा आप डाउन कर लो और ध्यान रहे इसको ऊपर नहीं नीचे की तरफ़ आपने आना है तो उसको नीचे नीचे आप बांधते रहें ताकि आपका जो लुक है वो ये टाइट रहें कॉर्नर पॉइंट ऑफ एरियाज़ और ज़्यादा ऊपर ना जाएं आप आपने ब्रेड बनाते हुए नीचे आना है सो so यहाँ पे आपने इसको पकड़ा फिर अगेन एक रबर बैंड आपको और लगा लेना है दो बार इसको आप जस्ट बाइंड करें ज़्यादा बार नहीं घुमाना है सो so दो बार अगेन हमने इसको घुमा लिया है क्लीन करके अच्छे से घुमाएँ खम कॉम प्रीवियस सेक्शन को कॉम करें अच्छे से सो नाउ टेकिंग बोथ सेक्शन टुगेदर और अगेन फिर आपको इसको रबर बैंड से बांध देना है तो दैट्स इट अगेन वी आर टेकिंग अ रबर बैंड यहीं पे आपने सेंटर ऑफ द पॉइंट पे फिर इसको बांध देना है लूज हमने इसको बाइंड किया है हल्के हाथ से आपने इसको बांधना है दैट्स इट नीचे वाले हेयर ना आए ध्यान रहे इस बात का थोड़ा इसको टाइट किया जहाँ पे आपको रबर बैंड की प्लेसमेंट चाहिए सो so डाउन करें स्प्रेड करें थोड़ा सा वॉल्यूम एंड फ्लफिनेस आप दे सकते हैं और यहाँ से आपने पहले टॉप पॉइंट पे देखो ये टॉप पॉइंट पे लाइन खींची हमने यहाँ से भी आप इसको खींचेंगे दो लाइनें हो गई दूसरी ये खींची हमने इसी की गाइडलाइन पे आप यहाँ से भी खींच सकते हो कि ये सेंटर ऑफ द पॉइंट पे आएगी इधर से थर्ड आप यहाँ से खींच लें उसको हल्का सा बैक लुक हम इनहस कर रहे हैं बैक ब्रेड है इसलिए तो फ्रंट पे आप प्लेन भी रखेंगे तो भी चलेगा यहाँ से भी आपने हल्का सा लाइन खींचना है और ये लास्ट बॉर्डर लाइन कॉर्नर पे जो नीचे है सबसे डाउन पॉइंट पे इसको भी आप स्प्रे करें एंड क्लीन करें सो so यहाँ पे हमने तीन बनाए तो लास्ट आप बॉर्डर लाइन पे चलेंगे और इसको भी बना लेंगे दैट्स इट तो हल्का हल्का आपने इसको पुलिट आउट करना है तो काफ़ी अच्छा टेक्स्चर वॉल्यूम इसमें मिल जाएगा आपको फिर कंटिन्यू चलते चले जाना है अब आप यहाँ वाले हेयर को ले रहे हैं तो बहुत मोटा सेक्शन नहीं बस वही टू फिंगर का थिक सेक्शन कंटिन्यू यहाँ तक चलेंगे आप इस रबर बैंड के ऊपर अब आपको थोड़ा इसको क्लाइंट के हेड पे चिपकाते हुए चलना है हेड से अटैच करते हुए चलना है यहाँ से भी हम दो फिंगर का सेक्शन ले रहे हैं सेम और इसको भी आपने यहीं लाना है ध्यान रहे कि दोनों तरफ के पार्ट बराबर बराबर हो इक्वल डेंसिटी के साथ अब इसको आप थोड़ा डाउन में ग्रेड ऐसे डाउन करेंगे हेड के साथ अटैच करते हुए रखना है इसको यहाँ से कॉम करें फ्लैट करें सेम विल बी फ्रॉम अदर साइड कॉम करें एंड फ्लैट करें एंड फिर आपने अपनी पोजिशन में जाना है कि कहाँ आप इसको लॉक कर रहे होंगे दोनों तरफ की आपने फ्लैप्स को चेक करना है देन रबर बैंड फिर लगा देंगे आप सो आप पहले लाइन भी बना सकते हो वैसे और फिर आप रबर बैंड भी लगा सकते हो तो उसमें थोड़ा सा लाइन्स वर्क आपका और बेटर आएगा और इसमें थोड़ा सा आपका नेचुरलिस्टिक आएगा क्योंकि आप पहले रबर बैंड लगा रहे हैं तो प्रेशर आपने पहले लगा दिया है इसमें मीन स्क्रिप्ट आपको पहले आपने कर दी है उसके बाद आप लाइंस वर्क खींचेंगे तो वो नेचुरलिस्टिक टाइप ऑफ बनेगा सो so, ऐसे हम इसको बना रहे हैं हल्का हल्का टेक्सचर एंड पुलिंग टेक्निक आपने यूज़ करनी है दैट्स इट तो चार लाइन उधर से दिखाई हमने एंड फोर लाइन्स वे आर जस्ट शोइंग फ्रॉम दिस साइड सेम इफ़ेक्ट के साथ स्प्रे करें यहाँ से फिर अगेन कंटिन्यू टिल द एंड पॉइंट बस इसी टेक्निक का यूज़ करते हुए आपने एंड पॉइंट तक चलना है ये जो रबर बैंड है इनको आप थोड़ा नीचे कर देंगे तो ये वैसे छुप जाएंगे इसको भी आप नीचे कर देंगे तो वैसे छुप जाएंगे बाद में आप इन पर कोई हेयर एक्सेसरीज लगा सकते हो विल पुट सम फ्लावर या कोई भी बीथ्स टाइप ऑफ एक्सेसरीज आप यहाँ पर लगा सकते हैं इसको हिडन करने के लिए वो व्हाइट फिलर्स वाले फ्लावर आते हैं ना वो भी आप लगा सकते हो और अगर आप कुछ कार्नेशन औरकिड्स वगैरह लगाना चाहते हो वो भी आप लगा सकते हो लिली वाइट फ्लावर्स आते हैं वो भी आप लगा सकते हो तो काफ़ी सुंदर लगेगा ये बाकी आर्टिफिशियल फ्लावर भी आते हैं जैसे रोजेस टाइप आप वो भी आप लगा सकते हो तो बहुत सारी हेयर है एक्सेसरीज़ हैं ऑलरेडी मार्केट में जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू तो इस हेयर स्टाइल के अकॉर्डिंगली फिर अगेन एक और सेक्शन लिया हमने इस साइड से और इस साइड से अब ध्यान रहे आपने वी टाइप ऑफ शेप मेंटेन करनी है वी टाइप ऑफ लुक आपने देना है सो so, अब आप थोड़ा सा नैरो होते चले जाएंगे जैसे जैसे नीचे आएंगे सो so, बोथ साइड से अगेन हमने कॉम करना है सो इट्स फ्लाटर कॉम इसको यहाँ लाए आप सेम विल बी अदर साइड कॉम फ्रॉम अदर साइड बस दैट्स इट इसको मिडिल पे रखा आपने सो आई वांट दिस टाइप ऑफ वॉल्यूम तो थोड़ा सा लूज़ किया देखो ऐसे बहुत टाइट भी नहीं करना थोड़ा लूज लूज रखना है हमें यहाँ पे आपने फिर अगेन सिंपल रबर बैंड को आपने इसमें बांध देना है दो राउंड बहुत हैं और फिर इसको स्प्रेड कर दें थोड़ा सा ओपन अप कर दें इस साइड से और इस साइड से भी रबर बैंड को फिर पुलिट आउट कर दो नीचे से ऊपर की तरफ उठा रहे हैं ताकि ये थोड़ा सा उथला हुआ लगे वॉल्यूमाइज लगे।, लगे बेसिकली सो वॉल्यूम के लिए हम इसको नीचे से फिंगर से इसको ऊपर उठा रहे हैं यहाँ से भी लाइन खींची वन टू थ्री एंड जस्ट फोर फ्रॉम द बॉटम लाइन सो यहाँ से भी आप स्प्रे करें फिक्स करें हल्का हल्का स्प्रे भी करेंगे तब भी ये अच्छा लगेगा नेचुरल इफ़ेक्ट में बाकी आपको और क्लीन ज़्यादा रिजल्ट चाहिए तो आप पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा क्लीनिंग लाइन आप बना सकते हो उसके लिए पहले आपको इस फ्लैप को तैयार करना है फ़िक्स करना है फिर इस फ्लैप को तैयार करना है फ़िक्स करना है बट वो थोड़ा टेक टाइम uh, टेकिंग थोड़ा प्रोसीजर हो जाएगा बिकॉज आप उसमें फिनिशिंग ज़्यादा रहेगी या yeah, नेचुरलिस्टिक एंड जब आपके पास में कम समय है तब आप इसको फटाफट से बना सकते हो बट आउटकम रिजल्ट बहुत सुंदर आएगा इसका सी नाउ फ्रॉम बोथ साइड वी आर टेकिंग सेम सेक्शन सेम डेंसिटी सेक्शन यू हैव टू टेक फ्रॉम बोथ साइड यहाँ से भी हमने सेम सेक्शन लिया है दोनों तरफ बस इसको भी आप खॉम करें क्लीन करें खाम करें क्लीन करें और यहीं पे हम इसको अटैच कर रहे हैं ध्यान रहे हेड शेप के हिसाब से हम इस पर रख रहे हैं मीन्स इट शुड बी अटैच फ्रॉम द बैक ऑफ द पॉइंट बहुत ज़्यादा हवा हवा में ना ले जाए नहीं तो ये स्कैल्प से अटैच्ड नहीं लगेगी ध्यान रखना सो so, आप जब रबर बैंड लगा रहे हो तो आपको डाउनवर्ड एंगल में ही लगाना है दैट्स इट इसको भी आए थोड़ा सा फ्लफी बनाया नाव अगेन वन पुलिंग टेक्निक्स टू थ्री एंड जस्ट फोर तो देखो हम ऊपर ऊपर से हल्का हल्का खींच रहे हैं वन यहाँ से भी हल्का रेंडमली उठाया हमने यहाँ से भी और ये नीचे वाले को थोड़ा बाहर की तरफ खींच दिया तो चार लाइंस आपके विजिबल हो जाएंगे स्प्रे करें और इनको फिक्स कर दें सो so, ऐसे आप इस हेयर स्टाइलिंग को बैक ब्रीड को बहुत जल्दी और कम समय में बना सकते हैं फिर अगेन सेम थिकनेस का सेक्शन यहाँ से लिया हमने और सेम थिकनेस का बाल आपने इस साइड से उठाना है सेक्शन इसको भी कॉम करें और इसको भी कॉम कर दें सो राइट एंड लेफ़्ट लेफ्ट और राइट दोनों सेक्शन को लेके आ रहे हैं और इसको यहीं पे आपने लॉक कर देना है तो ये था आपका बैक ब्रेड का आसान तरीका जो कि आप बहुत जल्दी बना सकते हो देखो मैं इसको डाउनवर्ड एंगल पे लेके जा रहा हूँ ऐसे नहीं ऐसे नीचे रखा जैसा उसका नेचुरल फॉल रहेगा जैसे वो बैठी रहेगी अगर वो ऐसी रहेगी बहुत ऊपर तो वो बहुत लाइक फिर वो यहाँ पे फ्लफ़ी हो जाएगी और फिर डाउन हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा अनिवन टाइप ऑफ लुक आ जाएगा तो आपको हेड शेप पे रखते हुए अटैच रखते हुए इसको बनाना है अब यहाँ से देखो हमारी वी शेप मेंटेन हो रही है सो तो आपने ये ध्यान रखना है कि वी शेप आपकी मेंटेन हो रही हो बाकी चौड़ाई के लिए इसको थोड़ा फैला सकते हैं आप ब्रॉडनेस के लिए इसको भी थोड़ा फैला सकते हो लाइक स्प्रेडिंग टाइप ऑफ टेक्निक आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो बट पूरे ही फ्लैप को बराबर फैलाना है अब जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे लाइंस थोड़ी कम होती जाएंगी सो तो यहाँ पे हमने तीन लाइन उस साइड दी हैं तो तीन लाइन हम इधर दिखा रहे हैं और बॉर्डर को बहुत ज़्यादा नहीं फैलाना है तो धीरे धीरे आपकी बॉर्डर लाइन धीरे धीरे कम होती जाएगी नीचे आते आते बस आपका टेल पॉइंट बच जाएगा सो तो बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर ले नीचे से हेयर को कि आधा बाल आपको इधर देना है और हाफ़ हेयर आपको इधर देना है सो so, नीचे वाले हेयर को हमने डिवाइड कर लिया है ताकि सेक्शन लेते हुए दोनों तरफ आपको बराबर बाल मिल सके सो so, यहाँ से अगेन हमने एक और सेक्शन लिया एंड सेम सेक्शनिंग वी आर टेकिंग फ्रॉम राइट साइड कॉम जरूर करें इससे थोड़ा आपका बाल जो है वो क्लीन रहेगा टेंगल फ्री रहेगा कॉम करने से और जब आप लाइन्स वर्क बनाओगे तो रिजल्ट काफ़ी अच्छा आएगा सी यहाँ पर भी आप रबर बैंड लगा रहे हैं अब नीचे आपको पहले हम दो राउंड कर रहे थे अब हम तीन राउंड घुमाएंगे क्योंकि नीचे डेंसिटी कम हो गई है सो so इस बार हम थोड़ा लेस डेंसिटी है तो हम इसको तीन बार रबर बैंड को घुमा रहे हैं दैट्स इट तब ये टाइट हो पाएगा नहीं तो लूज़ होगा तो ये गिर जाएगा वन एंड टू लाइन हमने यहाँ पर दिखाई वन एंड जस्ट टू लाइन आई एम जस्ट शोइंग हीयर दो लाइनें हमने इधर और दो लाइनें हमने उधर दिखाई है लाइन को थोड़ा दूर दूर ही दिखाएं ताकि वो दिखेगा दूर से बहुत ज़्यादा लाइन बनाओगे तो फिर लाइन्स वर्क विजिबल नहीं होता है दैट्स इट सो एक और हमारा आएगा सेक्शन या दिस इज़ द एंडिंग टेलिंग पॉइंट तो लेट्स इसको भी देख लेते हैं यहाँ पे भी हमने एक लास्ट रबर बैंड लगाया सेम थिंग तीन बार आपको उसको रोटेट करना है और इसको फ्लफी करना है थोड़ा यहाँ से फिंगर से आपको थोड़ा इसको वाइडर करना है एक लाइन यहाँ दूसरी लाइन यहाँ एक इस बॉर्डर पे, एक इस बॉर्डर पे। अब इस लास्ट बॉर्डर को ज़्यादा बाहर नहीं फैलाना है ऊपर वाला बॉर्डर चौड़ा नीचे वाला थोड़ा कम तभी आपकी वी शेप मेंटेन होगी नीचे आप ज़्यादा बाहर नहीं फैलाएंगे इसको yes. so, this is the last most section. ये सो दिस इज़ द लास्ट मोस्ट सेक्शन ये लास्ट सेक्शन है हमारा दैट्स इट हमारी ब्रिज कंप्लीट हो जाएगी सो इसको भी कॉम किया हमने कॉम किया अभी आप वैसे ऐसे भी बांध सकते हो तो चलो इसको एक साथ आप बाइंड कर लो इसको आप कर्ल्स कर सकते हैं तो यहाँ पे लास्ट रबर बैंड रह जाएगा हमारा सो यहाँ पे आके आपको लास्ट ऐसे भी आप बाइंड कर सकते हो सिंपल ही आधा सेक्शन उधर से लिया आधा सेक्शन इधर से लिया और ये एंड पॉइंट है तो दैट्स इट बस इस पर आपको वैसे लाइन दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ये बाल ही कम बचा हुआ है और ये आपका टेल पॉइंट आ गया दैट्स इट सो ये है आपकी ट्रेडिशनल बैक ब्रेड जो कि आप कम समय में जल्दी बना सकते हैं और टेल पॉइंट को आप चाहे कर्ल्स कर लें या ऐसे भी आप रख सकते हैं दिस इज़ लुकिंग नाइस ये इट्स लुकिंग ब्यूटिफुल और यहाँ पे आप कुछ यू वगैरह लगा सकते हैं जस्ट मेंटेनिंग जस्ट फॉर मेन्टेनिंग योर लाइन्स वर्क yes it's looking beautiful इनको आपको कर्ल्स कर लेना है बैक पॉइंट पे हम कुछ एक्सेसरीज लगा रहे हैं एंड क्लाइंट्स को थोड़ा एयरिंग पहना लेंगे तो देन विल शो यू द फाइनल रिजल्ट सो हम इसको एयरिंग पहना रहे हैं विल पुट सम एयरिंग विल पुट सम हेयर एक्सेसरीज लाइक बी टाइप ऑफ एक्सेसरीज आप इस पर लगा सकते हैं दैन विल शो यू द फाइनल रिजल्ट सूखी गाइज दिस इज द फ्रंट रिजल्ट अभी हमने इनको पहना लिया है नेक सेट एंड एयरिंग ये सच लुकिंग ब्यूटिफुल एंड बैकऑफ़ द पॉइंट से भी हम सेम एक्सेसरीज लगा रहे हैं लाइक दिस सो ये डायमंड टाइप ऑफ एक्सेसरीज ऐसे हम अटैच कर रहे हैं ये वेलक्रो के साथ में आते हैं सो इट विल फिक्स इजली सो ये ऐसे वेलक्रोज पीछे लगे होते हैं सो so जस्ट आप इसको प्रेस करेंगे हेयर के साथ में सो so ये आपके हेयर को कैच कर लेगा एंड ऐसे आप इसको अटैच कर सकते हैं तो कोई सा भी एक्सेसरीज आप लगा सकते हैं जो आपके पास में इज़ली अवेलेबल है सो कंटिन्यू ये सेट्स लक ब्यूटीफुल सो जस्ट रबर बैंड के ऊपर ताकि आपका रबर बैंड भी हाइड हो जाए एंड हेयर को आपने जस्ट इस वेल्क्रो में फंसा लेना है तो ये इजिली कैच कर लेगा थोड़ा छोटा एक्सेसरीज भी लगा सकते हो आप जो कि आपके रबर बैंड को हाइड कर दे। दैट्स इट। सो नाउ विल पुट ऑन दिस पॉइंट। वन विल बी हियर। सो टिल द एजेस पॉइंट पुट लाइक दिस या इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। सो ऐसे आप इस बैक ब्रेड को बना सकते हैं विद दिस ब्यूटीफुल हेयर एक्सेसरीज वाह, इट्स लुकिंग नाइस जो भी छोटे छोटे फ्लाई फ्रिजी हेयर हैं आप इनको बैकअप द पॉइंट पे ही हाइड कर दें स्प्रे करें और उनको बैकअप द पॉइंट पे आपने छुपा लेना है या इट्स लुकिंग ब्यूटिफुल सो दिस इज़ द फाइनल आउटकम रिजल्ट जो कि आप बहुत कम समय में ऐसे आप बना सकते हैं सो so ये छोटे छोटे फ्लाई फिजी हेयर है जो हैं वो आपने कंट्रोल करने हैं जो भी छोटे ब्रेकेजेस हेयर हैं आप साइड से स्प्रे करके पीछे आप इनको अटैच करेंगे यहाँ से भी चाहे आप ब्रेड को ऐसे उठा के बैकअप द पॉइंट पे आपने स्प्रे करना है और ऐसे हाथ से आप इसको ड्राई कर सकते हैं ब्लो करेंगे और छोटे छोटे स्मॉल हेयर को आपने कवरेज पे लेके आना है सो दिस इज द ब्यूटिफुल आउटकम रिजल्ट ये इट्स लुकिंग नाइस सो ओके गाइज दिस इज द फाइनल आउटकम रिजल्ट दिस इज द फ्रंट वेरिएशन विद ऑल बैक विद द सॉफ्ट टेक्चुर लाइन्स एंड बैक रिजल्ट कुछ ऐसे आने वाला है ये इट्स लुकिंग ब्यूटिफुल सो दिस इज द फाइनल आउटकम रिजल्ट कुछ ऐसा इसका आउटकम रिजल्ट आना है दिस इज द ट्रेडिशनल बैक ब्रीड हेयर स्टाइल एंड विद द हेयर एक्सेसरीज आप ऐसे कुछ डेकोरेट कर सकते हैं सो so ओके okay, दोस्तों ये था हमारा आज का हेयरस्टाइल ट्रेडिशनल बैक हेयर हेयरस्टाइल विद द ब्यूटीफुल हेयर एक्सेसरीज़ उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ में और उन सभी लोगों के साथ में जिनको भी हेयर स्टाइलिंग सीखनी है और हाँ दोस्तों एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत बहुत समय और एफर्ट्स लगते हैं सो so, लाइक करके हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएँ अगर आपके कोई कमेंट्स हैं कोई सुझाव हैं कोई हेयर स्टाइलिंग आप सीखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स बॉक्स पर ज़रूर कमेंट्स करें हो सकता है नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपके टॉपिक से रिलेटेड हो जो भी आपने कमेंट्स किया हो चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगी सो so, के okay, दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नई स्टाइलिंग के साथ तब तक अपना ध्यान रखेगा और आप सभी लोगों का प्यार एंड सपोर्ट ऐसे बनाए रखेगा टिल देन बाय टेक केयर